हेलो स्टूडेंट्स, अपना बुक में या कॉपी में एक नया हेडिंग डाल दो जो आज हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। लिखो इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात लिख दो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ चार्जेस। क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस। अच्छा बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर किसी को भी लगे कि सर फील नहीं आ रही तो बता देना, दिल खोल के फील कराऊंगा। ठीक है, तो बस बता देना कि फील नहीं आया इस चैप्टर में, मजे से फील आएगा। ठीक है ना, 220 का चाहिए कि 440 का चाहिए, बस बता देना, हर तरह की फील मिलती है। चलो टॉपिक पे आते हैं। चार्जेस जो है ना, वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक जो स्टैटिक है या चार्ज आपका मोशन पर है। सर दो तरह के क्या चार्जेस? चार्जेस बच्चों या तो स्टैटिक है, स्टैटिक मतलब एक जगह रुके हुए है, और या फिर मोशन में है, मतलब चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है। चार्ज कितने तरह के हैं? वो गधा जो बोला कि तीन, ये होता है प्रोटॉन्स, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या कोई चार्ज है क्या? वो तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो वो तो कोई चार्ज हुआ ही नहीं। क्लियर हो गया? तो हमारे पास दो तरह के चार्जेस कौन से हुए, एक हुआ प्रोटॉन और एक हुआ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का कौन सा चार्जेस होता है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। चार्जेस कैसे होते हैं? या तो स्टैटिक होता है या मोशन होता है। कैसा होता है? या तो स्टैटिक होता है या फिर मोशन होता है। जो स्टैटिक होता है, जो चार्ज हमारा स्टैटिक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? लिख लो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज मोशन में होता है, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज जब मोशन में होगा तो क्या माना जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब स्टैटिक होगा तो क्या माना जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए बच्चों एक नाम और है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, एक हम लोगों ने बेसिक आइडिया ले लिया है। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो फोकस रहेगा इस लेक्चर में, दैट विल बी कंप्लीटली ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तुम्हारा फोकस क्या रहेगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एक बार उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आउट कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहे कि सर हाँ इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर एकदम ईजी बना दूंगा, ऐसा कि आप लोगों को लगेगा कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है सर, उसके बाद क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज सीख गए, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है सर, दो चीज हम लोग देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या पढ़ोगे बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा दीजिएगा। उसके बाद सर क्या पढ़ाएंगे? उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस के बाद हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी के साथ साथ हम लोग कुछ उसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन दो तरह में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर। फिर हम लोग देखेंगे
इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इतना भी कर लोगे ना बच्चों तो एक बार के लिए तो हमारा चैप्टर फिनिश जैसा महसूस होने लगेगा। और इस और इसके बीच बीच में भी मैं कुछ टॉपिक्स आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो चालू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रिक करंट है ये बेसिकली है क्या, ठीक है? फिर थोड़ा सा चार्ज के बारे में सीखेंगे। पहले एक बार थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि करंट क्या है। देखो जैसे कि मैं बताता हूँ, रिवर में पानी फ्लो करता है, रिवर में पानी फ्लो कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर में जब पानी फ्लो करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं, बोलो, वाटर करंट। क्या बोलते हैं? वाटर करंट, ठीक है? मतलब कुछ फ्लो कर रहा है। इससे एक कॉन्सेप्ट क्या क्रेज होता है? फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग एयर इन द एटमोस्फेयर। क्या? फ्लोइंग, रनिंग नोट्स बनाते जाओ, फ्लोइंग एयर इन द एटमोस्फेयर। अगर एटमोस्फेयर में हवा बह रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एयर करंट। क्या बोलेंगे? एयर करंट। मतलब सर एक छोटा सा बात तो ये हुआ कि किसी भी चीज का फ्लो होना एक तरह से करंट है। तो सर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। लिखो, फ्लोइंग, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, फ्लोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो हमारा टॉपिक क्या है, जो हमें पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक बात और देखो, फ्लो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है। तो बाबू जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो इलेक्ट्रिक करंट क्या घंटा पढ़ोगे, ये बताओ। तो अभी हमें जरूरत क्या है सीखने का? हमें जरूरत है सीखना कि सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है? क्लियर? चलो हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। वापस बोलो, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्यू से। शाबाश, पढ़ते जाओगे तो याद भी हो जाएगा। तो चार्ज क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। चार्ज क्या है? चार्ज को छू सकते हो? हाँ, देख सकते हो? नहीं। चार्ज क्या है बच्चों? चार्ज एक तरह से एक प्रॉपर्टी है। जैसे सॉलिड्स आर हार्ड, सॉलिड स्ट्रांग होते हैं, तो सॉलिड हार्ड है। हार्ड क्या है? हार्ड इज अ प्रॉपर्टी। तो चार्ज क्या है? चार्ज भी एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है, किसी भी सब्सटेंस में पाया जा सकता है चार्ज। तो चार्ज क्या हुआ? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी। चार्ज क्या हुआ? प्रॉपर्टी, ठीक है? लिखो, चार्ज क्या है? सबसे पहले तो चार्ज हम लोग समझते हैं। चार्ज बच्चों कोई सामान नहीं है जिसको आप छू के उठा के ले जाओ, ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? लिखो, चार्ज का प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, ठीक है? कैन बी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, कैन बी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, कैन बी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज में चार्ज हो सकता है, यही एक चार्ज है। क्लियर हुआ बच्चों? अब क्या लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट है कोलम। लिखो, कोलम, COULOMB, COULOMB। इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है? इट इज
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा एक इंटरेस्टिंग सी बात लिखवा देता हूँ, बहुत काम आएगी, कि एक कॉलम क्या होता है, कोई बता सकता है एक कॉलम की वैल्यू? चलो टास्क है सब बच्चों पे, बताओ एक कॉलम का वैल्यू क्या होगा? 1C। चलो 1C इक्वल्स टू, बताओ बताओ जल्दी बताओ। बेसिकली एक तरह से चार्ज क्या है, चार्ज है इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या है? चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने क्या बताई थी, याद है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वन कॉलम इज इक्वल्स टू वन इलेक्ट्रॉन। तो वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बताओ? वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कॉलम। ये हमारा क्या है? चार्ज है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है, 1C की वैल्यू क्या है? इतना इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो एक इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है वही हमारा कॉलम है। तो ये क्या है? इट इज अ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो हमारा चार्ज है वही हमारा क्या होता है? वन कॉलम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा आप ये भी जानते हैं, देखो एक होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा एक जो एटम होता है उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, बात मानते हो ये बात? तो बाबू चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, चार्ज तो दोनों में कितना होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो क्या स्मॉलेस्ट यूनिट को भी क्या आप तोड़ सकते हो? नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तीन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, क्या 4.25 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है या 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? अब मैं बोलूंगा 4.25 इलेक्ट्रॉन लागे दो, तो तुम 0.25 इलेक्ट्रॉन का चार टुकड़ा कैसे करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। तो एक बात और समझ लो, इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल्स पाए जाते हैं, या तो 1 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल या 3 का या 4 का या 5 का। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपको लिखना है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कभी भी 3.25 या 3.5 या 4.25 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अच्छा अब देखो, एक छोटी सी बात याद है क्या? मैग्नेट्स में क्या होता है बताओ? पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेंगे तो क्या दोनों को अट्रैक्ट करेंगे कि रिपील करेंगे? गलत, रिपील करेंगे। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, मतलब दोनों प्लस प्लस दूर हो जाएंगे, और अगर दोनों माइनस माइनस होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। इसका मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो उन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो जिस सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरा सब्सटेंस जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों सब्सटेंस आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में कुछ कुछ सीखा, कुछ कुछ आइडिया लिया कि चार्ज क्या होता है, कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग एक वर्ड देखते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? चलो कंडक्टर का डेफिनेशन लिखो। कंडक्टर क्या होता है? लिखो क्या होता है? अ कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट। लिखो अ कंडक्टर इज एन ऑब्जेक्ट और
टाइप ऑफ मटेरियल और टाइप ऑफ मटेरियल और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जो चार्ज को फ्लो करने दे रहा है, मतलब मोशन में आने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है, इन वन और मोर डायरेक्शन. क्या लिखोगे? इन वन और मोर डायरेक्शन, एक या एक से ज्यादा डायरेक्शन में. क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? अच्छा, एक छोटा सा लाइन और लिख लो साथ में. मटेरियल्स मटेरियल्स मेड ऑफ मेटल्स मेड ऑफ मेटल्स मटेरियल मेड ऑफ मेटल्स आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर कॉमन इलेक्ट्रिकल आर कॉमन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. क्लियर बच्चों? केमिस्ट्री में थोड़ा सा नॉलेज आपने मेटल्स और नॉन मेटल से लिया होगा. क्या लिया होगा? मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो एटम होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो एटम होता है. मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताया ना कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं. अब उसका रीजन भी तो सीखना जरूरी है. सर ने तो बता दिया, बट क्यों होते हैं उसका भी तो रीजन बताओ. देखो, ये सब किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के वजह से होता है, ठीक है बच्चों. मेटल्स का जो एटम का साइज होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये हमारा न्यूक्लियस ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और बाहर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और वही नॉन मेटल का जो एटम साइज होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है. अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से चिपका रहता है. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. बात क्लियर हुआ? लेकिन बड़ा साइज होने की वजह से तो दोनों में दूरी आ गई, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो हो गया. उसके वजह से बच्चों पता है क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन कूद के दूर आ जाता है, नाराज हो जाता है प्रोटॉन से. प्रोटॉन से नाराज हो जाता है तो बाहर आ जाता है, ठीक है. तो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? नाराज हो के बाहर निकल गया. बाहर निकल गया इसका मतलब ये अब क्या बन गया? ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन. अब बात समझो, अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, मतलब पॉजिटिव ज्यादा हो गए, तो ये क्या बन गया? ये पूरा एटम विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. अब जब ये एटम फ्री घूम रहे थे, इसको ना इसके प्रोटॉन ने बुला लिया और ये मतलब अपना दोस्ती यारी छोड़ के इधर आ गया और ये इधर आ गया, मतलब अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में थोड़े दिन के लिए बच्चा मजा आ जाता है. क्यों? क्योंकि देखो क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये वाला, अब जब इसको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये क्या हो गया? अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया. क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया. अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिले तो इन दोनों ने क्या किया? नेगेटिव चार्ज ने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर किए. क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहीं पर ही तो आपकी करंट जनरेट हो गई. क्या मैंने बताया था? वाटर फ्लो किया तो वाटर करंट, एयर फ्लो किया तो एयर करंट. अभी इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज फ्लो किया कहां से? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ. बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब देखो, अब हम लोग ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, ठीक है, कि क्या है बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइसिस का हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है. हेडिंग डाल दो, इलेक्ट्रोलाइसिस. देखो बच्चों, ये सब सीखना जरूरी होता है, ये सब कॉन्सेप्ट के बिना हमारा नॉलेज इनकम्प्लीट होता है. लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस.
इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, क्या चीज का? सोडियम क्लोराइड का, ऑफ सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक ठो पानी भरेंगे, ठीक है, ये हमारा पानी पूरा भरेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दो ठो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलग अलग से डालेंगे रोड, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर प्लस साइन, यहाँ पर नेगेटिव साइन। इसका मतलब हमारा जो, देखो ये लाल रंग वाला है, ये क्या हुआ? नेगेटिव। और दूसरा कलर एक चूज करते हैं पर्पल, ये क्या हुआ हमारा? पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात और बता देता हूँ, एन ए जो है, एन ए जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, एन ए पॉजिटिव होता है, और सी एल क्या होता है? नेगेटिव। तो जब आपने इसमें, जब आपने इसमें एन ए सी एल डाल दिया, ठीक है, आपने एन ए सी एल डाल दिया, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या घूम रहा है? एन ए पॉजिटिव घूम रहा है और सी एल नेगेटिव ढूंढ रहा है। हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि ये जो सी एल नेगेटिव है ना, ये जो हमारा सी एल नेगेटिव है, ये किधर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। और एन ए पॉजिटिव है, ये किधर भागेगा? नेगेटिव की तरफ। इससे हमें क्या पता चलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको नाम देंगे एनोड, ठीक है, और नेगेटिव वाले को क्या देंगे? शाबाश बोलो, कैथोड, ओके। एंड जो आयन नेगेटिव है इसको क्या बोलेंगे? एनायन। और जो पॉजिटिव है इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। क्लियर हुई बात? एक है एनायन और एक है कैटायन, एक है एनोड और एक है कैथोड, क्लियर हो गया बात। ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रोलाइसिस। इससे हमें क्या पता चला? पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, ठीक है। और ये क्या थे? फ्री थे। अब देखो एक लाइन लिख लो, इलेक्ट्रॉन विच मूव आउट ऑफ एटम, इंपॉर्टेंट है लाइन, इलेक्ट्रॉन विच मूव आउट ऑफ एटम, मूव आउट ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन विच मूव आउट ऑफ एटम आर फ्री इलेक्ट्रॉन, आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर हो गया? ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, कैसे बताया था? ये देखो यहाँ पर ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बेसिक क्या चीज था? इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग जंप आउट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग चार्ज सीख गए, अब हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, यही हमारा बेसिक है इलेक्ट्रिक करंट। और करंट मैंने आपको बता दिया है क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अच्छा अब एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक टैंकर है, ये भी एक टैंकर है, दोनों को हमने नीचे से कनेक्ट कर दिया। पानी इसमें इतना भरा हुआ है और इसमें केवल इतना सा है। अब आप होशियार हो कि नहीं बताओ, पानी कहां से कहां फ्लो करेगा? छोटा से बड़ा कि बड़ा से छोटा? ऑब्वियसली सर बड़ा से छोटा में ही जाएगा, मतलब पानी इधर से इधर फ्लो करेगा। क्यों इधर से इधर फ्लो करेगा? कोई रीजन बताओ, बताओ। यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर हाई कंसेंट्रेशन है पानी का, तो उसको रास्ता मिला बाहर निकलने का, तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो वही इलेक्ट्रॉन्स है, जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज होगा और जिस बॉडी में कम चार्ज होगा, ज्यादा चार्ज से करंट फ्लो कहां करेगा? कम चार्ज की तरफ, ठीक है। लिख दो इसी लाइन को, लिखो इफ टू चार्ज्ड बॉडीज, इफ टू
charged bodies if two charged bodies are connected by a metallic wire electrons flow from a higher concentration area to a lower concentration area. ये बात तो क्लियर है, ऊपर वाले एग्जांपल को देख के समझ में आ गया, जैसे हवा पानी वैसे ही करंट, ठीक है। तो अच्छा, कौन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो लिख दो, इट इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट constitutes an electric current that constitutes an electric current. Clear ho gaya? It is the flow of free electrons that constitutes an electric current. ठीक है, चलो अब हम लोग करंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो, current is defined as the rate of flow of charge, that is charge flowing through a cross-sectional area flowing through a cross sectional area of a conductor. Hopefully clear हुआ होगा। Current क्या है? Rate of flow of charge। बाबू कितना कम समय में फ्लो कर रहा है, मतलब दो चीज यहां पर आई, स्पीड और टाइम। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, मतलब तभी तो फ्लो करेगा, आप पता लगाओगे। स्पीड, टाइम, डिफरेंट, दैट इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर। कंडक्टर का इधर से इधर या इधर से इधर कितना जल्दी मूवमेंट हो रहा है, कितना कम समय में मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या है, फिर थोड़ा चार्ज को समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम लोग यहां पर दो चीज देखते हैं, स्पीड और टाइम। कितना स्पीड और कितना टाइम से डिस्टेंस कवर अप कर रहा है, ये तीनों चीज यहां पर मैटर करेगी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझो, डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा, मारेंगे खींच के, बताओ डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। दूसरे तरीके से समझते हैं, ये वायर 1 मीटर की थी, ठीक है, हमें 1 सेकंड में चार्ज यहां से लेकर यहां तक पहुंचाना था, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्पीड में पहुंचाएंगे, सपोज 10 की स्पीड से हमने पहुंचाया, वायर का हमने डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, टाइम अभी भी 1 सेकंड का है, टाइम अभी भी 1 सेकंड का ही है, तो 1 सेकंड में इतना बड़ा डिस्टेंस कवरअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्पीड में से उस करंट को भेजना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ, ज्यादा स्पीड से मैं अगर उस करंट को फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, तभी तो वो 1 सेकंड में वो करंट वहां पहुंच पाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, हम लोग करंट के फ्लो का जो स्पीड है वो अपनी जो लाइट की स्पीड है
हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड क्या है, ठीक है, क्लियर। तो देखो करंट क्या होता है, करंट क्या है, करंट इज चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है अबाउट गिवन ऑफ टाइम, कि एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में जब एक चार्ज फ्लो होता है, जब एक यूनिट टाइम में एक चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो क्या है, करंट है, वन करंट है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आई से, चार्ज को हम लोग करेंगे क्यू से, टाइम को करेंगे टी से, क्लियर हो गया। अच्छा इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर, क्या हो जाएगा एसआई यूनिट, एम्पियर लिख लो, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से, किससे डिनोट करेंगे, ए से। अच्छा अब हमें इलेक्ट्रिक करंट मेजर भी करना है, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो उस चीज के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज करते हैं, डिवाइस का नाम क्या है, अमीटर, डिवाइस का नाम क्या है, अमीटर, क्लियर। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया, उसके बाद डिवाइस जिससे हम उसको मेजर करते हैं वो पता चल गया। अच्छा कैसा, जब हम लोग इसको सर्किट में ऐड करते हैं तो डिवाइस कैसा होगा, ऐसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा इसका पॉजिटिव हमें पॉजिटिव से मिलाना पड़ेगा और नेगेटिव का नेगेटिव से मिलाना पड़ेगा, तो क्या बोलते हैं हम लोग, लिखो यहां पर, टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ, टू मेजर द मैग्नीट्यूड, टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन अ सर्किट, ऑफ करंट इन अ सर्किट, इन अ सर्किट एन एमीटर इज कनेक्टेड, एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन सीरीज, ये जो वर्ड है इन सीरीज, इसी का ही मतलब होता है कि प्लस को प्लस से जोड़ना, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना, विद द सर्किट, लिखो विद द सर्किट विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर, लिखो विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अमीटर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी, क्लियर हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई, देखो अब क्या है, अब है फ्लो ऑफ करंट, यहां पे लिख लो फ्लो ऑफ करंट। अच्छा फ्लो ऑफ करंट हम लोग तीन चीज में अगर देखें, किसमें, मेटल्स में, इलेक्ट्रोलाइसिस में, ठीक है। अच्छा मेटल्स में जो है वो किसके वजह से करंट फ्लो करता है, लिख लो मेटल्स में करंट किसके वजह से फ्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या लिखोगे, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे फ्लो करता है, जो मैंने अभी अभी आपको पानी वाला दिखाया था, लिखो इलेक्ट्रोलाइट्स में कैसे फ्लो करता है, ये दोनों के वजह से, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस को क्या बोलते हैं, कैटायंस, और नेगेटिव आयंस को क्या बोलते हैं, अनायंस, इन दोनों के वजह से करंट फ्लो करता है। अच्छा सर गैसेज में भी करंट फ्लो करता है क्या, ऑब्वियसली करता है, गैसेज में कैसे करेगा सर, गैसेज में करेगा पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के वजह से, लिखो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट
सब में बता दिया, मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस, ठीक है। चलो अब देखो क्या है कि मैं बोलता हूं कि टी समय में ये वायर है, ये वायर है, इसका एक एंड ए और एक एंड बी। मैंने बोला ए एंड से बी एंड तक टी टाइम कुछ भी हो सकता है, सपोज टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने अभी तक काउंट नहीं किया है और टाइम भी मुझे नहीं पता है। मुझे क्या पता है कि टी समय में कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए। तो अब मुझे ये बताओ कि टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर कितना होगा। लिखो क्वेश्चन, टोटल टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब सर यहां पे तो चार्ज निकालना है, चार्ज का मतलब क्यू, शाबाश, चार्ज का मतलब क्यू। आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है क्यू कि कितना चार्ज फ्लो हुआ कंडक्टर में से टी टाइम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, अच्छा चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चार्ज क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने आपको बताया था, जितना चार्ज होगा किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो हुए उसी पे। अच्छा, हमारा इसका करंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट कहां से कैसे फ्लो करता है उसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डायरेक्शन, ठीक है, कि भैया फ्लो कहां से कहां करता है। तो इसमें ना दो चीजें हैं, पहला कन्वेंशनल करंट, मतलब पुराने जमानों में जो हम लोग ट्रेडिशनल टाइम्स से अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हालांकि हमें मॉडर्न पता चल गया है लेकिन फिर भी हम लोग क्या फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल क्या बोलता था कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ करंट फ्लो करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या बोलता था, फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। लिख लो, फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी टू अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, टू अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, बट मॉडर्न में ये बिल्कुल अपोजिट है, मॉडर्न में बिल्कुल इसका अपोजिट है। मॉडर्न क्या बोलता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे कि पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ठीक है। बोलो तो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कैसे फ्लो करता है। ये देखो, सपोज करो कि ये हमारा एक मेटल वायर है, ठीक है, मेटल वायर है तो ऑब्वियसली इसमें एटम्स होंगे अंदर, ये हमारे एटम्स है, और मेटल का एटम कैसे बिहेव करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है। तो यहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोड़ दिए, ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने यहां पर खाली छोड़ दिए, ठीक है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इधर उधर मूव करते रहते हैं। चलो इसको एक सर्किट से जोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखो, जब ये नेगेटिव इधर है तो इधर तो नेगेटिव है, अब नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, इनको फोर्स करेगा कि ये इधर जाए, बात समझो, ये इनको फोर्स करेगा कि ये इधर जाए, और पॉजिटिव जब इधर पॉजिटिव है तो ये इधर क्या फोर्स करेगा, इनको अपनी तरफ बुलाएगा, इन सबको अपनी तरफ बुलाएगा। तो आप देखो फ्लो किधर हो रहा है, फ्लो किधर हो रहा है, नेगेटिव से करंट इधर आया और फिर इधर और फिर वापस इधर और फिर वापस इधर, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बाबू ये कन्वेंशनल ऐसा क्यों था, उसका होने का रीजन ये था कि करंट जो है ना, करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के
डिस्कवर होने से पहले ही डिस्कवर हो चुका था, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता था कि जो करंट है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन से फ्लो करता है, मतलब प्रोटॉन से। बट बाद में ये डिस्कवर किया गया कि नो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर यहां पर बैटरी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे आते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे बैटरी है, यहां पर एक छोटा सा मेटल रॉड होता है और यहां पर पीछे में होता है। क्या होता है, इसके अंदर ना एक केमिकल होता है और यहां पर भी एक केमिकल होता है। ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर के जो एटम होना है वो इधर की तरफ टान लेता है इलेक्ट्रॉन्स जो है। इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो केमिकल रिएक्शन के वजह से क्या होते हैं, और कौन सा रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होता है बैटरी के अंदर, रेडॉक्स रिएक्शन। तो वो केमिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर टान लेते हैं। तो अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचा, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो बाहर का सरफेस है, बाहर का जो बॉडी है, इसमें कौन सा चार्ज आ गया, अब इसमें बहुत सारे नेगेटिव आ गया, तो इधर कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिल गया। क्लियर हुआ? अच्छा, दोनों अलग अलग मेटल बॉडी में पैक्ड है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके अंदर नहीं घुस पाते हैं। तो इधर से उसको क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर से लास्ट पार्ट से क्या मिलता है उसको, नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, दैट इज द यूनिट। और यूनिट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, मैंने ये भी आपको बताया, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। 1 एम्पियर का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो 1 एम्पियर का डेफिनेशन लिख ले, लिखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम, व्हेन 1 कूलम, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, मैं ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये बताओ, बता सकते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके अंदर। तो देखो मैं अभी आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, दैट इज 6.25 × 10⁻¹⁸, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, ये एक कॉलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये वो डिटेल है, मतलब 1 कॉलम में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है ये उसका डिटेल है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड। होपफुली एम आई क्लियर। 1 एम्पियर का मतलब इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ है 1 सेकेंड में, कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻¹⁸, 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ है।
ठीक है बच्चों, तो हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चालू करेंगे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, शायद वही होना चाहिए फर्स्ट टू के बाद, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया हमारा, टिक कर दो, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू।